कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो। आज के इस वीडियो में आज मैं आपको राजस्थान के यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है कि लॉकडाउन के बाद इस ट्रेन का संचालन पहली बार शुरू होने जा रहा है। इस ट्रेन की काफ़ी डिमांड थी, आइए देख लेते हैं वो कौन सी ट्रेन है। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आई बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी वीडियो के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। चलिए आए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो में आज मैं आपको राजस्थान के यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है कि राजस्थान से महाराष्ट्र के बीच में एक नई ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है। ये ट्रेन लॉकडाउन के बाद पहली बार चलना प्रारंभ होगी, रीस्टोर की जा रही है। इस गाड़ी का नंबर रहेगा 22175 22176। नागपुर जयपुर जयपुर नागपुर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। इस गाड़ी का पुराना नंबर था 11203 और 11204 पुराना नंबर था। रेलवे ने इस ट्रेन को अब शुरुआत करने जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैपुरी का नागपुर रेलवे स्टेशन से जब चली तो 22175 22175 नंबर नागपुर से 7 अप्रैल से चलना प्रारंभ हो जाएगी। जयपुर से चली तो 22176 22176 नंबर 7 8 अप्रैल से चलना प्रारंभ हो जाएगी। ये गाड़ी साप्ताहिक वीकली है। नागपुर रेलवे स्टेशन से बृहस्पतिवार को चलती है, जयपुर से शुक्रवार फ्राइडे को चलती है। ये ट्रेन अब फुल्ली LHB कोचों से चलाई जाए, ICF कोच लगाएंगे वर्तमान में, फिर इसके बाद इसमें LHB कोच लगाए जाएंगे। तो शुरुआत 22 कोच से की जा रही है, 22 डिब्बे लगाए गए हैं। सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन बना दी गई है अब ये ट्रेन। आपको आइए मैं आपको इस ट्रेन का पूरा टाइम टेबल बता देता हूँ, सो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। देखिए आइए मैं आपको इसका पूरा टाइम टेबल बताता हूँ। 22175 रहेगा नंबर जब ये ट्रेन नागपुर से जयपुर चली। नागपुर रेलवे स्टेशन से 10:45 पर चलने का समय रहेगा इसका। ये सब इसके जो नए टाइम टेबल हैं, नया नंबर जारी किया है, नया टाइम टेबल रहेगा। कुछ स्टॉपेज इसकेस में चेंजेस किए गए, कुछ में परिवर्तन किया गया है, और क्या रहेगा पूरा टाइम टेबल मैं आपको पूरा बता देता हूँ। इसके बाद नागपुर के बाद ये ट्रेन 11:50 पर सीधे पंडरपुर रुकेगी। तो पंडूरना पहुँचने का समय है 11:50 में, 1 मिनट खड़ने स्टॉपेज देगा पंडूरना। मुलताई 12:32 में, 1 मिनट खड़ी मुलताई रेलवे स्टेशन। बैतूल पहुँची 12:58 पर, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा बैतूल रेलवे स्टेशन। इटारसी दोपहर के 3:35 पर, यहाँ 5 मिनट का स्टॉपेज रहेगा इटारसी जंक्शन। इसके बाद रानी कमलावती पहुँची 5:05 पर, यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। भोपाल 5:30 पर आएगी, यहाँ 10 मिनट खड़ी भोपाल रेलवे स्टेशन। और इसके बाद ये ट्रेन आगे बढ़ती हुई नेक्स्ट स्टॉपेज जो आएगा इसका वो आएगा सीहोर, और सीहोर रेलवे स्टेशन 6:27 से पहुँचेगा समय, यहाँ 2 मिनट खड़ी सीहोर। सुजालपुर 7:05 पर आएगी, 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा बैरछा। 7:43 पर आएगी, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा बैरछा। उज्जैन रात के 9 बजे पहुँची, यहाँ 5 मिनट का स्टॉपेज रहेगा उज्जैन। नागदा नागदा के रास्ते ये ट्रेन आगे बढ़ेगी और नागदा रात के 10:30 से पहुँचे, 15 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। और रामगंज मंडी पहुँचने समय 12:08 पर ये ट्रेन रामगंज मंडी पहुँची, 12:08 में 2 मिनट खड़ी। कोटा जंक्शन 1:15 पर रात में आई, 10 मिनट का स्टॉपेज रहेगा कोटा जंक्शन। और इसके बाद ये ट्रेन आगे बढ़ते हुए जो इसका स्टॉपेज देगा चंदेरिया के रास्ते, यहाँ पे ये ट्रेन 5 बजे पहुँची और 5:15 पर चल देगी। इसके बाद ये ट्रेन भीलवाड़ा 5:50 से पहुँची, यहाँ 5 मिनट का स्टॉपेज रहेगा भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन। भीलवाड़ा पहुँचने का समय रहेगा 5:50 पर, यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉपेज है भीलवाड़ा। विजयनगर आने का समय रहेगा 6:42 पर, 2 मिनट खड़ी। नसीराबाद पहुंचने का समय रहेगा इसका 7:58 पर, नसीराबाद पहुंचेगी 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। अजमेर पहुंचेगी 8:05 पर, 10 मिनट का स्टॉपेज। अजमेरगढ़ किशनगढ़ पहुंचने का समय रहेगा इसका 8:47 पर, यहाँ 2 मिनट खड़ी किशनगढ़। जयपुर 10:30 पर जयपुर पहुँच जाएगी। ये गाड़ी थी आपकी नागपुर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। आइए मैं आपको टाइम बता देता हूँ जब ये ट्रेन आपकी जयपुर रेलवे स्टेशन से चलेगी। जयपुर रेलवे स्टेशन से ये जो गाड़ी है आपकी 5:15 पर चलने का समय रहेगा। 5:05 किशनगढ़, 6:37 पर आएगी, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। अजमेर रेलवे स्टेशन 7:10 पर आने का समय 10 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। नसीराबाद 7:46 पर आएगी, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। विजयनगर 8:13 पर आएगी, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। भीलवाड़ा रात के 9:35 पर आएगी, यहाँ 5 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। चंदेरिया रात के 11 बजे पहुँचेगी, यहाँ 15 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। कोटा जंक्शन रात के 2 बजे आएगी, यहाँ 15 मिनट का स्टॉपेज रहेगा कोटा जंक्शन। 3 बजे पहुँचेगी 3:01 पर रात में ये रामगंज मंडी पहुँचने का समय। नागदा सुबह 5:05 पर आएगी, यहाँ 5:15 का स्टॉपेज रहेगा। उज्जैन सुबह 6:20 पर उज्जैन पहुँचने का समय, उज्जैन पर ये गाड़ी यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉपेज जाएगा उज्जैन रेलवे स्टेशन। बैरछा पहुँचने का समय रहेगा 7:16 पर, यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। 7:53 पर आने का समय रहेगा इसका सुजालपुर।
दो मिनट का स्टॉपेज, सुजालपुर 7:53 पे, सीहोर पहुंचने का जो समय रहेगा, सीहोर पहुंचने का समय 8:26 पे, यहाँ दो मिनट का स्टॉपेज रहेगा। भोपाल 9:35 पर सुबह पहुँच जाएँ, यहाँ पर 5-10 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। भोपाल रेलवे स्टेशन रानी कमलावती 9:58 पर पहुँचने का समय, यहाँ दो मिनट का स्टॉपेज रहेगा। इटारसी 11:30 पर आएगा, 5 मिनट का स्टॉपेज। इटारसी बैतूल 1:06 पर पहुँचे, दोपहर में 2 मिनट खड़ी। बैतूल मुतलाई 1:45 पर आई, मुतलाई पंडूरना 2:25, शाम 4:50 पर नागपुर आ जाए। तो ये ट्रेन थी जयपुर नागपुर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है कि रेलवे ने जयपुर नागपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया। मैं आपको दबा देता बता देता हूँ, ये गाड़ी नागपुर से 7 अप्रैल से 8 अप्रैल से जयपुर से चलना प्रारंभ हो जाएगी, और इस ट्रेन में आप बुकिंग करा करके यात्रा कर सकते हैं, और साथ ही जो इसका जनरल का कोच रहेगा उसमें आप जनरल टिकट लेकर के यात्रा कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है कि रेलवे ने नागपुर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया। और मैं आपको दोबारा बता, इस ट्रेन का नंबर नया जारी किया गया 2175 2176। साथ ही रेलवे ने कुछ इसके टाइमिंग में परिवर्तन किया, और साथ ही कुछ स्टेशन इसके छोड़े गए हटाए गए, और चंदेरिया रेलवे स्टेशन पर इस गाड़ी का स्टॉपेज दे दिया गया। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है कि रेलवे ने नागपुर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया। तो ये अपडेट थी आपकी राजस्थान से जुड़ी, जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया। ये ट्रेन लॉकडाउन के बाद पहली बार चलना प्रारंभ हो रही है। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो जैसे लाइक करें, शेयर करें, ट्रेन संबंधी अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैवी नाइस डे।